कौन थे प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त केवट और किस तरह से इन्होंने करवाई थी प्रभु श्री राम को गंगा नदी पार और कौन थे पिछले जन्म में केवट, बताते हैं आपको केवट से जुड़ी संपूर्ण कथा। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, केवट रामायण से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पात्र था। रामायण के अनुसार केवट राम जी के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे और केवट ने ही श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण को गंगा नदी पार करवाया था। केवट का जिक्र हमें रामायण के अयोध्या कांड में पढ़ने को मिलता है। आखिर कौन थे केवट? ऐसा कहा जाता है कि जब ये संसार शुरू हुआ था तो उस दौरान केवट का जन्म कछुए के रूप में हुआ था और उस समय धरती पूरी तरह से जल में डूबी हुई थी। केवट से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार केवट ने कछुए के रूप से मोक्ष पाने के लिए भगवान विष्णु के अंगूठे को छूने की कोशिश की, मगर वो ऐसा करने में सफल नहीं रहे, जिसके बाद केवट ने कछुए के रूप में विष्णु जी की कड़ी तपस्या की और केवट की इस तपस्या से खुश होकर विष्णु जी ने केवट को इंसान के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था। इंसान के रूप में जन्म लेने के बाद केवट मछलियां पकड़ने का कार्य किया करते थे और मछलियां पकड़कर अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। केवट के पास एक नाव हुआ करती थी जिसके जरिए वो गंगा नदी के पार जाया करते थे। करवाई प्रभु श्री राम को गंगा नदी पार। प्रभु श्री राम को वनवास मिलने के बाद वो सबसे पहले गोमती नदी को पार कर वेसरंग वेरपुर पहुंचे थे। इस जगह पहुंचने के बाद राम को आगे जाने के लिए गंगा नदी को पार करना था, लेकिन गंगा नदी को किस तरह से पार किया जाए, राम जी इस चिंता में बैठे हुए थे। तभी उनकी नजर गंगा नदी पर खड़ी केवट की नाव पर पड़ी और प्रभु श्री राम ने केवट से कहा कि वो अपनी नाव से उन्हें गंगा के पार ले जाएं। राम और केवट के बीच जो संवाद हुआ उसका वर्णन रामायण में कुछ इस तरह से किया गया है। माघी नाव ने केवटू आना, कहई तुम्हारा मरमु में जाना, चरण कमल रज कहू सबु कहई, मानुष करीन मुरी कछु अही। रामायण के अनुसार राम जी केवट को आवाज लगाते हैं और उसे कहते हैं कि नाव किनारे ले आओ, पार जाना है। राम जी की आवाज सुनकर केवट उनसे कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हारे चरणों की धूल से पत्थर की शिला सुंदर स्त्री बन गई थी, मेरी ये नाव काठ की बनी हुई है, अगर तुम्हारे चरण की धूल पत्थर को स्त्री बना सकती है तो उसी तरह से मेरी नाव पर अगर तुम चढ़े तो वो भी स्त्री बन जाएगी। ऐसा होने से मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी और आप भी नदी को पार नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप नाव में बैठने से पहले अपने पैरों को मेरे से साफ करवा लें। केवट की ये बात सुनने के बाद प्रभु श्री राम उनसे कहते हैं कि जो तुम्हें सही लगता है तुम वो करो। इस तरह से केवट ने आखिरकार विष्णु जी के अवतार राम जी के पैरों को छू लिया। उनके पैरों को अच्छे से धोने के बाद वो राम, सीता और लक्ष्मण को गंगा नदी के पार ले गए।